खबर सोनभद्र से, जहां ब्लॉक चौपन में सिंधुरिया गांव में प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य को मौके पर जाकर जब योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक महाराज, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, संबंधित अधिकारी गणों ने निरीक्षण किया तो पता चला कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना में गुणवत्ता की विपरीत कार्य हो रहे। ईंट की लैब टेस्टिंग के लिए चौपन के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया, जब उक्त स्थल पर कार्य की गुणवत्ता को देखते तो बिना पिचिंग कार्य गिट्टी डाली जा रही। वहीं कमजोर ईंट का इस्तेमाल, बालू का इस्तेमाल तालाब से ही हो रहा था पूर्व, जिससे राजस्व की चोरी भी हुई। अब बालू की जगह सस्ती बस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा, कमजोर बाउंड्री पिलर का इस्तेमाल, यही नहीं बालू की जगह बस्सी और सीमेंट मिलने में गलत अनुपात का इस्तेमाल किया जा रहा, जिससे कार्यों में गुणवत्ता के विपरीत कार्य हो रहा। आज मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सिंधुरिया सेक्रेटरी प्रतिभा चौपन के वीडियो सर एवं विभागीय अधिकारियों ने मान सरोवर की प्रयुक्ति सामग्री को लैब टेस्टिंग के लिए निर्देशित कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही। वहीं योग गुरु आचार्य अजय पाठक जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी छवि को धूमिल करने का काम सिंधुरिया के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी एवं जेई के माध्यम से किया जा रहा। उक्त मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही भूख हड़ताल और उच्च न्यायालय के शरण में जाकर अपील करूंगा। मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है। मैं सिंधुरिया का निवासी हूं और जनपद सोनभद्र में ब्लॉक चौपन में सिंधुरिया ग्राम में प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्णिम योजना थी, अमृत सरोवर योजना, आप देख रहे होंगे कि हमारे गांव में पिछले देश आज़ादी के बाद कई प्रधानों ने इस सरोवर को बनाने का काम किया, लेकिन इस बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को जो साकार होता जा रहा था, वो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लगातार इसकी विफलताओं को एक स्वरूप दिया जा रहा है। मैंने इस सरोवर की जांच के लिए कई बार कहा, आज हमारे सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय सौरभ गंगवार जी द्वारा ईंटे की लैब टेस्टिंग जाँच के लिए किया गया है। आप देख सकते हैं ये ईंटा है, आप ये देख सकते हैं ईंटा है, इसकी जाँच के लिए आज भेजा जाएगा। तो हम निवेदन करेंगे उन सभी अधिकारियों से कि इस जो प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्णिम योजना है उसको साकार देने के लिए भ्रष्टाचार का जो काम, जो खेल है, उसको बंद करने का काम किया जाए। और हमें उम्मीद है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर मुकदमा पंजीकृत होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।